जय श्री राम का। आज हम रेशियो स्टार्ट करेंगे। ये रेशियो की हमारी क्लास फर्स्ट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। चलिए, मीनिंग ऑफ रेशियो, रेशियो एंड अकाउंटिंग रेशियो, मीनिंग ऑफ रेशियो एंड अकाउंटिंग रेशियो। रेशियो इज अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन of relationship between two interdependent or related items. Ratios when calculated on the basis of accounting information are called accounting ratio. Accounting ratio may be expressed as an arithmetical relationship between two accounting variables. Meaning of ratio analysis. अभी समझाऊंगा सर। An analysis of financial statement with the help accounting ratios is termed as ratio analysis. Classification of or types of accounting ratio.
लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो के बाद नेक्स्ट हमारा बेटा सोल्वेंसी रेशियो। क्या निकाल लिया हमने को? सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये मेन चार रेशियो होते हैं क्योंकि लास्ट में बच्चे को पता ही नहीं होता कौन सा किसमें क्या है। तो सबसे पहले दिमाग में ये सेट करता हूँ आपको, मेन रेशियो कितने होते बेटा? चार। अब लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट ABILITY प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो। हाई समझ में? अब सबसे पहले बात करते हैं अपने किसके बारे में बेटा, लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। देखो लिक्विडिटी रेशियो में आपसे दो रेशियो कैलकुलेट करवा सकता है, एक तो करंट रेशियो और दूसरा बेटा क्या, क्विक रेशियो। सोल्वेंसी के अंदर ये कौन सा हो गया बेटा, ये कौन सा हो गया बताओ? हो गया। अब इसके अंदर सोल्वेंसी रेशियो के अंदर नंबर वन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, थोड़ा छोटा लिखा मैंने, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। नंबर टू टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बेटा नेक्स्ट है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ऐसे ही इसके अंदर नंबर वन इंसॉल्वेंसी टर्नओवर रेशियो, बेटा टर्नओवर को शॉर्ट में लिख दूं टी ओब्लिक करके ओ, समझ जाओगे आप टी ओब्लिक ओ क्या होगा, टर्नओवर। समझा क्या, जगह कम है ना मेरे पास इसलिए। इंसॉल्वेंसी टर्नओवर रेशियो नंबर टू लिखो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल और पेएबल बेटा
फोर्थ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिफ्थ फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, और सिक्स्थ है बेटा इसके अंदर नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इंसॉल्वेंसी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल, ये बीच में बेटा पहले लगा हुआ था, ठीक है ना। टी के बाद ये आई है, आई रिसीवेबल रेशियो, ट्रेड पेएबल रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। आगे बात समझे। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें बेटा सबसे पहला, हाँ दिखेगा बेटा दिखेगा, जस्ट वेट एंड वॉच, दिखेगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर पहला देखिए बेटा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। नंबर टू बेटा ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। नंबर थ्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नंबर फोर नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो नंबर फोर नेट प्रॉफिट रेशियो। नंबर फाइव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको आरओआई बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये पांच ही है बेटा। नंबर वन ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नंबर टू ऑपरेटिंग रेशियो, नंबर थ्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नंबर फोर नेट प्रॉफिट रेशियो, नंबर फाइव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। अब बेटा सिंपल सा बात है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपने रेशियो है कितना। नोट हो गया बेटा सभी का, हो गया ना। पूरा चार्ट बन गया। अच्छा तो सबसे पहले प्रतीक बाबू क्वेश्चन करना है तो तेरे को ये पता होना चाहिए कौन सा रेशियो किसके अंदर है। ये चार्ट पता होना चाहिए, इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। लिक्विडिटी मतलब लिक्विड का समझते हो, जो चेंज होती रहती है चीज लिक्विड, जैसे कैश है, बैंक है, डेटर बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा बहुत अच्छे से। तो आपके दिमाग में लिक्विडिटी आएगा मतलब चेंजेबल, एक तो करंट और लिक्विड, दो ही है लिक्विडिटी के अंदर है। तो दिमाग में ये होना चाहिए लिक्विड रेशियो के अंदर दो ही होते हैं। मेन हेडिंग क्या है, लिक्विडिटी रेशियो। इनका मतलब भी समझा दूंगा मैं आपको कि इसका मीनिंग क्या है, इससे क्या निकलता है। बट आप ट्वेल्थ पर है, इतना बच्चा ध्यान नहीं देता है, बट मैं मीनिंग बता दूंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये रेशियो निकालते हैं तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है, इनसे क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है वो भी बता दूंगा। इन रेशियो को यूज करते हैं बिजनेस के अंदर, जिस एंटिटी का, जिस यूनिट का, जिस कंपनी का, जिस फर्म का रेशियो निकाले हैं तो उसका रेशियो ये आता है, इसका क्या मतलब है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में जानने के लिए ये रेशियो निकाले जाते हैं। आई बात समझ। तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कितने हैं, दो। सोलवेंसी के अंदर कितने हैं, पांच। तो ऐसे याद रहे, लिक्विडिटी के अंदर दो है बेटा, कितने, दो, ये तो याद रहेगा। सोलवेंसी में थोड़ा ध्यान रहेगा, एस लिखा है मैंने, सोलवेंसी एस लिखा है, एस का मतलब देखो फाइव भी ऐसे होता है, तो दिमाग में चलना चाहिए सोलवेंसी में कितने हैं, पांच। थोड़ा दिमाग में ना सेट हो जाता है इससे, तो पांच। अब पांच हम याद करेंगे। अब उसके बाद क्या है, एक्टिविटी रेशियो, कितनी एक्टिविटी करते हैं हम, छह एक्टिविटी करते हैं। कितनी एक्टिविटी करते हैं ऐसे याद करो, कितनी एक्टिविटी करते हैं हम, छह, है ना। हम कितनी एक्टिविटी करते हैं बेटा, छह।
जब एक ओवर फेंकता है बॉलर तो उस ओवर में कितनी बॉल होती है, छह, तो कितनी बार एक्टिविटी करता है, छह बार एक्टिविटी करता है, तो ऐसे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो एक्टिविटी कितनी है, छह, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसमें कितने बेटा, पांच, कितने हैं, पांच, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, समझाया, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पांच। अब देखो सबसे पहले लिक्विडिटी में कितने, दो, उसके बाद क्या है, सोलवेंसी पांच, उसके बाद एक्टिविटी छह, और प्रॉफिट भी पांच, मतलब सोलवेंसी और प्रॉफिट एक है। सोलवेंसी का मतलब क्या होता है, मतलब वो कहता है फाइनेंशियली स्ट्रोंग है ये बंदा, फाइनेंशियली स्ट्रोंग है, एक कहता है फाइनेंशियली वीक है ये बंदा, तो वो किससे पता लगता है, सोलवेंसी से पता लगता है, कितना सोलिड आदमी है, बोलते हैं सोलिड है ये, वो सोलवेंसी से है, सोलिड है, समझाया। तो सोलवेंसी और प्रॉफिट के पांच पांच ही है, तो याद हो गया, दो पांच छः पांच, दो पांच छः पांच, दो पांच छः पांच, दो उल्टा सीधा सब आ गया। अब अपने बात करते हैं आगे, मीनिंग ऑफ रेशियो एंड अकाउंटिंग रेशियो। कभी भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग के तीन चार दिन बड़े क्रुशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद तो बेस बन जाता है, जैसे कि कंपनी में भी था। कहता रेशियो का क्या मतलब है और अकाउंटिंग रेशियो का क्या मतलब, सुनना, रेशियो इज ए अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन, क्लियर हो गया, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है ये। अब इसका मतलब सिर्फ इसमें सिंपल से क्या यूज होगी, मैथ यूज होगी, अर्थमेटिकल होगा काम सब, अर्थमेटिक समझते हो, टू प्लस प्लस माइनस ही होते हैं अर्थमेटिक में, और कुछ नहीं होता। रेशियो ये अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप। अब रेशियो का मतलब पता है, रेशियो आप पढ़ते मैथ में भी, रेशियो निकालते कितना रेशियो आया, तो रेशियो को आप रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हो, परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हो, किसकी फॉर्म में, परसेंटेज। रेशियो एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है जो रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरचेंजेबल और रिलेटेड आइटम, जो दो इंटरचेंजेबल आइटम के अंदर क्या दिखाती है, रिलेशन शो करती है। जैसे अपने परसेंटेज निकालते हैं, मैथ में आपके 100 में से 80 आए, मैथ में 100 में से कितने आए, और अकाउंट्स में आपके आए 100 में से 90, ठीक है। अब आपने रेशियो निकाला, उसका रेशियो निकाला, अब उसको परसेंटेज की फॉर्म में निकाल सकते हो रेशियो का, तो 90/100 कितना, 90% कितना है बेटा, 90, और मैथ में कितना है, 80%, तो दोनों में कंपेरिजन हो गया कि इस व्यक्ति के, इसने 100 में से कितने बेटा, टोटल एक, टोटल 100 मार्क्स है, वो एक वेरिएबल हो गया, और उसमें से कितने आए आपके 90, वो दूसरा वेरिएबल हो गया, तो दो आइटम या दो से ज्यादा आइटम में क्या दिखा रहा है, वो रिलेशनशिप दिखा रहा है, इसमें 80% स्कोर किया और उसमें 90% स्कोर किया। बात समझे कि नहीं समझे, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लीजिए आपके अकाउंट में मैथ में नंबर आए 80, रेशियो 100, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से 80 आए, इसका मतलब ये होता है, रेशियो का सिंबल लगा दिया, समझ आ गया कि नहीं, क्लियर होगी कि नहीं बात। तो दो रिलेटेड आइटम्स के अंदर रेशियो, व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जब ये रेशियो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये तो मैंने सिंपल बताया है, रेशियो ही होता, किसी भी चीज का रेशियो निकाल सकते हो, किसी भी चीज का क्या निकाल सकते हैं, रेशियो। लेकिन जब हम रेशियो निकालते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, जैसे प्रॉफिट का, करंट एसेट्स का, करंट लायबिलिटी का, तो फिर वो क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग रेशियो कहलाएगा। रेशियो तो आप किसी भी चीज का निकाल सकते हो, लेकिन जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का निकालते हो तो वो क्या कहलाता है, अकाउंटिंग रेशियो कहलाता है। बोलो बात समझे। तो कहता है व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। जब आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके उनका रेशियो निकालते तो क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में बी एक्सप्रेस एज ए अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल, दो वेरिएबल। जैसे आपने करंट रेशियो निकाला, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये दो अकाउंटिंग वेरिएबल हो गए, एक तो करंट एसेट्स वेरिएबल हो गया और एक दूसरा क्या हो गया, करंट लायबिलिटी। अब अपने करंट एसेट्स मान लो 1,00,000 है और करंट लायबिलिटी आपकी 50,000 है, तो 1,00,000 डिवाइड बाय 50,000 कितना है बेटा, 2, क्या है, 2। पर 2 का मतलब क्या हुआ कि हमारी करंट एसेट जो है वो करंट लायबिलिटी की 2 टाइम्स है, 2 गुना है, कितनी टाइम गुणा है, 2 गुणा है। तो अपने उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि करंट एसेट्स आपकी कितनी थी बेटा, 1,00,000, और करंट लायबिलिटी कितनी थी, 50,000, तो इसको डिवाइड करोगे 2 आएगा,
इसको लेते हैं 2:1, क्या लिखते हैं इसको, काटा 2 आ गया तो रेशियो लगा के देखो, इसको काटोगे तो नीचे 1 आएगा और ऊपर क्या आएगा 2, तो क्या होगा 2:1 लिख दिया हमने इसको, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइबिलिटी अगर 1 है ना तो एसेट उसकी दोगुनी है, दोगुना है, इसको एब्सोल्यूट रेशियो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडल, आइडल है ये, मतलब इतना होना आइडल का मतलब ये होता है, आगे बताऊंगा कि अगर 2:1 हमारा करंट रेशियो ना तो उसको अच्छा माना जाता है, बिजनेस क्या माना जाता है अच्छा, तो कई बार बोलता है प्रतीक करंट रेशियो का आइडल रेशियो क्या है, आइडल रेशियो क्या है 2:1, मतलब आइडल का मतलब अच्छा, कहते ना आप, आपका आइडल कौन है, आप किसी टीचर का या किसी भी का नाम लेते हो, तो आइडल रेशियो हो गया, मतलब इसको बिजनेस के लिए अगर किसी का, अगर अब मान लीजिए किसी का यहाँ पर ये 50,000 है करंट एसेट्स, और लाइबिलिटी भी कितनी, करंट लाइबिलिटी 50, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको आइडल नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते हम, क्योंकि जितनी देने हैं उतने ही है, तो फिर क्या एस्ट होगा, मतलब उसको आइडल नहीं मानते अपने, तो जैसे जितनी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए, तो 2:1 में हो तो उसे आइडल मानते हैं, अब एक रेशो हो गया बस, इसका फॉर्मूला करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, समझ रहे मेरी बात, चलिए ये सब लिख लिया आपने, तो अब पहले मैं ये सिखाऊंगा लिक्विडिटी रेशियो, फिर ये रेशियो सिखाऊंगा, फिर ये सिखाऊंगा, अब इसी के ऊपर 182 क्वेश्चन दे रखे, 2, 5, 7, 7 और 6, 13 और 5, 18 फॉर्मूले, उसे कलेक्शन पीरियड वगैरह भी आएगा वो कर लेंगे आगे बस, चलिए बेटा, तो ये पहले तो अपने दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए पिक्चर, अब कौन किसके अंदर है ये आप घर पे थोड़ा लर्न करके आओगे हल्का सा, बाकी मैं बता दूंगा, ये ऐसे याद हो गया, पहला कौन सा है लिक्विडिटी, 2 है उसमें, उसके बाद क्या है सॉल्वेंसी, उसमें 5 है, एक्टिविटी में 6 है, यही पता नहीं होता बच्चों को, प्रतीक सही बताना जी, ऐसे श्याम पता था ये बात तेरे को, इसमें इतने इसमें नहीं, नहीं पता था, चैप्टर तो तुमने पूरा कर लिया, यही तरीका होता लग कि बच्चे के दिमाग में कहां से बिठाना है, लिक्विडिटी रेशियो में हम सबसे पहले सुनना जरा, वैसे बेटा इनके मैं नहीं लिखाऊंगा आपको बेटा, कल ला देना, लिक्विडिटी सुनना बेटा, लिक्विडिटी रेशियो में हम ये निकालते हैं कि फर्म की एबिलिटी कितनी है पे करने की, भाई फर्म के पास करंट लायबिलिटी से 2 गुना या 3 गुना या 1.5 टाइम कितने टाइम ज्यादा क्या है एसेट्स है, तो उसकी एबिलिटी पता लग जाती है करंट, क्योंकि करंट लायबिलिटी क्विकली पे करनी पड़ती है कभी भी, है ना, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो लंबे समय में पे करनी चाहिए तो फंड अरेंज करेगा, लेकिन करंट लायबिलिटी डिमांड कई चीजें होती है, ऑन डिमांड मांगते के साथ देनी पड़ती है, तो उसमें ऑब्लिगेशन जो है कंपनी के पे करने के, उनकी एबिलिटी कितनी है, कंपनी में कितनी एबिलिटी है कि वो पे कर सकती है, समझा कि वो चेक किया जाता है इसके अंदर, तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर पहला रेशियो लिखो बेटा करंट रेशियो, क्या बेटा जो मार्कर से है वो इसमें नहीं है बेटा, ब्लैक से लिखो, चेक से, अच्छा करंट रेशियो, दिक्कत आ रही है ना, करंट रेशियो करंट रेशियो, चलो आज आज करो काम, करंट रेशियो बेटा लिखिए, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये लो ये फॉर्मूला हो गया, सर ये बहुत आसान है, अब बेटा जिस बच्चे को करंट एसेट्स नहीं बचा उसके लिए हार्ड है ये, अब उस बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि करंट एसेट्स होती क्या है और करंट लायबिलिटी क्या होती है, भाई करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से क्या करना है, डिवाइड करना है, ये जरूर लिख लो, रेशियो 1 को क्या माना जाता है, प्योर रेशियो माना जाता है, क्या माना जाता है प्योर रेशियो, आइडल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आइडल वो सॉल्वेंसी में यूज करता है, इसको क्या मानते हैं प्योर रेशियो, अब करंट एसेट सबको मालूम है लेकिन फिर भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो
करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी है बेटा, नहीं बेटा कोई जरूरी नहीं है, चिंता मत करो। करंट एसेट्स क्या और करंट लाइबिलिटी क्या है? देखो बेटा, जो चीज विद इन 12 मंथ के अंदर पे करनी पड़ती है, विद इन शॉर्ट टर्म में होती है, उसको हम करंट एसेट्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ठीक है, जो कहता है जो शॉर्ट पीरियड के अंदर पे करनी पड़ेगी वो करंट, जो शॉर्ट पीरियड में हमें मिलेगी, जो पे करेंगे तो लाइबिलिटी होगी ना, जो शॉर्ट पीरियड में हमें क्या मिल जाएगी, मिल जाएगी, उसे हम क्या मानेंगे? करंट एसेट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट पीरियड? इस अकाउंट में लिखा हुआ कि हम 12 मंथ को, कितने मंथ को बेटा, जो विद इन 12 मंथ में, समझ आ गई मेरी बात? तो उसको अपने क्या बोलेंगे बेटा? अगर 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी तो क्या लाइबिलिटी। अब उसके अंदर एग्जाम्पल दिया है वो लिख लो बेटा। इसके अंदर सबसे पहले देखो बेटा, जो चीजें आपको पता है वो तो पता ही है, जैसे कि कैश, बैंक, सबको पता है कैश, बैंक, डेटर। अब डेटर को ये डेटर नहीं लिखेगा, ट्रेड रिसीवेबल लिखेगा। क्या लिखेगा ये? तो आप डरना मत, ये उसी का नाम है, ट्रेड रिसीवेबल। कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक। स्टॉक को बेटा इन्वेंट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ वो चीज। स्टॉक को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। ठीक है जी, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, जैसे कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, या इसमें एक नाम और ले लो बीआर। बीआर क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल है बेटा, अलग होते हैं थोड़े से। बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल डेटर होगा, बिल्स रिसीवेबल जिसमें बिल लिखा हुआ है आपने, वो अलग अलग वर्ड में आ जाता है कई बार। अब इसमें कैश, बैंक, डेटर लिखा ना, इसमें एक बात और ध्यान रखना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी होता है। क्या होता है बेटा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो बताऊंगा आपको कैश फ्लो के अंदर बहुत अच्छे से। मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट होता है जिसको इजीली हम अपने किस में, कैश में, कैश के बराबर ही मानते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश के बराबर ही मानते हैं। इसमें आप कैश, बैंक, डेटर लिखा या बैंक ड्राफ्ट भी आ सकता है। क्या आ सकता है? बैंक ड्राफ्ट, वो भी क्या होता है? करंट एसेट होता है, तो वो भी लिख सकते हो। क्या बेटा? बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज, और अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं बेटा? एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम। अदर करंट एसेट्स में क्या आ गया बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस और क्या बेटा? मतलब प्रीपेड मतलब अगले साल का आपने एडवांस पे दिया, तो वो भी प्रीपेड और अक्रूड जो होते हैं ना, प्रीपेड का मतलब क्या? एडवांस पे कर दिया, एसेट्स होती है। अक्रूड मतलब जो इनकम आपने अर्न कर ली लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, वो भी क्या होती है? एसेट्स होती है। तो ये भी एसेट्स मानी जाती है करंट एसेट्स, ये भी क्या मानी जाती है? करंट एसेट्स। ऐसे बेटा क्या है? लाइबिलिटी। वही बात जो 12 महीने के अंदर अंदर पे होगी उसमें लिख लो बेटा। पहला क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब तो पैसे उधार लेना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जैसे इसमें आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको शॉर्ट में आप क्या बोलते हो? बीओडी बोलते हो। क्या बोलते हैं? बीओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो आगे बात समझ में।
बेटा समझिए, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मतलब जो लॉन्ग टर्म 5 साल 7 साल का लोन था लेकिन वो क्या है, मेच्योर हो गया है, मेच्योर मतलब पेमेंट देनी पड़ेगी, तो उसको करंट लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, ठीक है, विद इन 12 मंथ में पे करनी पड़ेगी बेटा। और हम विद इन 12 मंथ में पे करते हैं वो क्या होती है, करंट मंथ। अच्छा, अदर करंट लाइबिलिटी वही सेम उसकी तरह आउटस्टैंडिंग है तो आपकी लाइबिलिटी है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने के अंदर अंदर कोई प्रोविजन बना रखा है, प्रोविजन फॉर रिपेयर है ना, और वो आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रति पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो भी आपकी लाइबिलिटी। तो ये मैक्सिमम टर्मोलॉजी है बस, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखो, आपको बड़े इजी तरीके से आएंगे, क्वेश्चन निकालो फटाफट, एक ही रेशो कराऊंगा आज मैं, अभी क्वेश्चन बताता हूँ, देखो निकालो जल्दी क्वेश्चन। भैया इसमें थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ होमवर्क में, रीजन है बहुत आसान है, क्योंकि देखो 182 क्वेश्चन अगर आप क्लास में करोगे तो कम से कम 20 दिन चाहिए बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन पे। मैं कंसेप्ट भी समझाऊंगा, बुक नहीं है सबके पास, मैं इसे यहाँ से दिखा देता हूँ कोई बात। ये बेटा अब आपके क्वेश्चन नंबर 1 है, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है साफ, दिख रहा है बिल्कुल। देखो फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशियो, क्या निकालो बेटा करंट रेशियो। अब आपको ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, मतलब ब्रैकेट में देखो डेटा लिख दिया है ना, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जिसको इजीली कैश में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं है ना, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है बेटा जिसको इजीली अभी की अभी आप मार्केट में क्या कर सकते हो, सेल करके और कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं, समझा। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है जिसको इजीली अपने क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते। चलो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, लैंड एंड बिल्डिंग लेंगे नहीं, ना तो करंट एसेट्स ना करंट लायबिलिटी। बीपी क्रेडिटर, डिवेंचर का कोई यूज नहीं है, इन्वेंट्री है, एक्सपेंस पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पेएबल मतलब देने। तो इसमें से सिर्फ 2 आइटम छोड़नी है आपने, कौन कौन सी, करो जल्दी से करो, करना जरा। अब करेंगे कैसे वो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन देखो देख लिया, अब ऐसे करना शुरू हो, क्वेश्चन देख तो लिया ही आपने क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, अब क्या पूछा क्वेश्चन में बताओ, करंट रेशियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपने करने का तरीका यही है कि फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला बेटा, क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, लगा दिया। अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ क्या करेंगे कैलकुलेशन, और इसकी थोड़ी जगह छोड़ के आप लिखेंगे क्या कैलकुलेट करेंगे, करंट एसेट्स निकालेंगे, और थोड़ा सा जगह छोड़ के क्या लिख देते हैं, करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। देखो अब आपके पास 2 तरीके हैं, सबसे पहले हमने बेटा ट्रेड रिसीवेबल, क्या बड़ा बेटा 2 तरीके हैं लिखने, या तो सीधा लिख दो, लेकिन आप दिखा दो थोड़ा सा, ट्रेड रिसीवेबल आएगा एक, तो क्या आएगा एक प्लस, समझा गया मेरी बात, ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट कितनी थी, 7,20,000, तो 7,20,000 पर नाम भी लिख रहा हूँ मैं, समझा गया, ट्रेड रिसीवेबल। फिर क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस में पेमेंट कर दी, वो भी क्या है आपकी बताओ, एसेट्स है, वो भी क्या बेटा एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंस मैं बता रहा हूँ आपको 1,60,000, कितना लेंगे 1,60,000। उसके बाद दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लस क्या करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो दे रखा है आपको कितना बेटा 2,00,000, कितना दे रखा है 2,00,000 प्लस। उसके बाद क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट में लिख सकते हो मार्केटेबल सिक्योरिटी कितनी दे रखी है 2,00,000। उसके बाद लैंड और बिल्डिंग नहीं लेंगे, आगे बात समझे, लैंड और बिल्डिंग नहीं लेंगे, बोलो बेटा, ठीक है, ये हो गया लैंड और बिल्डिंग ना करें, बीपी आया बेटा। उसके बाद क्या लिखा है, बीपी, बीपी कितना है बताओ बेटा, लाइबिलिटी है ना ये 80,000 प्लस क्रेडिटर, इससे क्या होगा, प्रत्येक एक एक आइटम भी दिखा दी और नीचे कैलकुलेशन भी हो गई, क्रेडिटर कितना हुआ बेटा 4,00,000, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर नहीं लेंगे, इन्वेंट्री एसेट्स है ना हमारी, इन्वेंट्री लेंगे इधर, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक कितना था बेटा 3,20,000, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना बेटा 3,20,000। ये देखो बेटा अब इसका टोटल करो जल्दी से, ये भी जोड़ना बेटा 16,00,000 आ रहा है। तो यहां लिख दो जगह हो तो, और नहीं है तो बेटा यहां जगह है ही, अपने पास कितना आएगा 16,00,000। करंट एसेट्स कितनी आ गई 16,00,000। ऐसे ये जोड़ दो बेटा 3, ये कितना आया 8,00,000, ये जाए 8,00,000। फॉर्मूला ऊपर है, करंट एसेट्स कितनी 16,00,000 और करंट लायबिलिटी कितनी 8,00,000। क्या क्या 2:1, यही एब्सोल्यूट रेशियो, खत्म हो गया, इजी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए मीनिंग क्या, कौन क्या कैसे, बोलो समझ में आएगी नहीं, क्लियर है क्या? 2:1, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। अब बेटा इस रेशियो के, अकेले इस रेशियो के पता कितने क्वेश्चन है, मतलब करंट इस रेशियो के अंदर कितने थे, दो थे लिक्विडिटी में करंट रेशियो और दूसरा इक्विटी। इन दो रेशियो के क्वेश्चन आपके बुक में 37 है, सिर्फ दो रेशियो के। तो अब ये घर पे एक मिनट का काम आप करें, अगर आप क्वेश्चन नहीं है, समझा गया मेरी बात, तो आज जाके करोगे, ठीक है? कल से होमवर्क दूंगा आपको मैं, ये समझ में आ गया?